और इसी बीच उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर मिल रही है। बांदा जेल अधीक्षक को मारने की धमकी मिली है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन पर धमकी भरा फोन आया है। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत हो गई है, जिसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हालांकि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी है और अज्ञात के खिलाफ क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये 28-29 मार्च की रात को 1:30 बजे के बाद ये फोन आया है। वीरेश राज शर्मा बांदा के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उनके CUG नंबर, जो उनका सरकारी मोबाइल है, उस पर आई है। एक लैंडलाइन का नंबर बताया जा रहा है, जिसका 0-35 से कोड शुरू होता है। और ये कहा गया है कि तुझको मैं ठोंक दूंगा, गालियां बकी गई उनको, तो लिहाजा उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। और सर्विलांस सेल को भी इसमें लगा दिया गया है, क्राइम ब्रांच को भी बांदा की लगा दिया गया है, ये जानने के लिए कि कोई बड़ी साजिश है, किसी ने शरारत की है, आखिर क्यों जेल सुपरिटेंडेंट को इस तरह से धमकाया गया है, वो भी तब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बांदा जेल अधीक्षक को मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल अधीक्षक वीरेश राज वर्मा को धमकी भरा फोन आया। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था, हालांकि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो चुका है, जिसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी जेल में। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक अज्ञात फोन आता है और बांदा जेल अधीक्षक को मारने की धमकी दी जाती है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को यह फोन आया, जिसमें जान से मार देने की धमकी दी गई है। और ये उसी जेल के अधीक्षक है जहां माफिया मुख्तार अंसारी बंद था। हालांकि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। तो बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिस अज्ञात ने बांदा जेल अधीक्षक को धमकी भरा फोन किया, जान से मार देने की धमकी दी है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को ऋषभ मणि हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। इस खबर पर क्या अपडेट है ऋषभ? देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि FIR दर्ज कर ली गई है, सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। और बांदा पुलिस, बांदा की जो सर्विलांस सेल है, क्राइम ब्रांच है, वो सभी इस खुलासे में लग गए हैं कि आखिरकार ये फोन किसने किया था। रात को 1:37 पे करीब ये फोन कॉल की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है वीरेश राज शर्मा को। अभी हाल ही में वहां वो पहुंचे हैं। और चूंकि मुख्तार अंसारी की जेल में हालत बिगड़ी थी, उनको हार्ट अटैक पड़ा था, फिर इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो इस धमकी को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और चार टीमें, क्या किसी तरह से इस अज्ञात के लोकेशन को ट्रेस किया जा सका है? कुछ पता लग पाया फोन कहां से आया था? देखिए, सर्विलांस सेल उसमें लगी हुई है, अभी ये भी देखना होगा कि ये कहीं से कॉल डाइवर्ट करवा के गई है या कहीं ये VOIP कॉल तो नहीं है, जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच सब इसमें लगी हुई है। चार टीमें बना दी गए हैं SP बांदा ने, और उनका कहना है जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, क्योंकि लगातार जो मुख्तार के समर्थक रहे, चाहे परिजन रहे, स्लो पॉइजन देने का भी आरोप लगाते रहे। क्या इस एंगल से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि उस अज्ञात का गुस्सा इस तरफ होगा और इसी को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई होगी? देखिए, खुद मुख्तार की ओर से भी कोर्ट में अर्जी दी गई थी और उनके परिजनों ने भी इस तरह का आरोप लगाया है कि ये मुख्तार उनसे मेल मुलाकात में फोन पे भी ये बात कहता था कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसको जेल में मारने की साजिश रची जा रही है और उसको हार्ट अटैक पड़ता है, इलाज के दौरान उसकी मौत होती है। उसके बाद भी मैं खुद गया था गाजीपुर रिपोर्टिंग करने, बांदा भी मैं गया था, तो वहां भी गाजीपुर में देखा है उसके समर्थकों का गुस्सा है। और वो तमाम लोग हैं ऐसे उस इलाके के रहने वाले जो बात मानते हैं कि साजिश रच के स्लो पॉइजन दे के मुख्तार अंसारी को मारा गया है। तो तमाम लोगों का गुस्सा जरूर है, लेकिन इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, मजिस्ट्रियल। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋषभ।